हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विक्की और आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूं 100 टन कैट, है ना मनु भैया, जो कैट की 100 टन जो डम्फर है उसको हम लोग चलाते कैसे हैं, पूरा कैबिन रिव्यू, कैबिन में क्या क्या है, कैसे चलाना है, पूरा सिस्टम। और साथ में मनोज भैया है हमारे, और मनोज भैया BML के 100 टन के ऑपरेटर हैं, है ना मनोज भैया, BML का 100 टन ना, हाँ वो BML के 100 टन के ऑपरेटर हैं, और ये मनु भैया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कैबिन में आके। अभी हम लोग डम्फर के छत पे है, यानी छत पे क्या, एंट्रेंस पे है, और ये कैबिन है डम्फर का। अब अंदर जाते हैं, मनु भैया पूरा अच्छे से समझाएंगे। ये प्रॉपर कैट का 100 टन के डम्फर ऑपरेटर है, जितना ये समझाएंगे फिर जो छूटेगा वो मैं समझा दूंगा, नहीं तो टोटल मनु भैया समझाएंगे अभी आपको कैसे गाड़ी को चलाना है, कैसे डम्फर को ऑपरेट करना है। तो ये वीडियो में एक तरफ से बोला जाए कि पूरा है कि कैट का 100 टन चलाना सीखे, आप पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए कैबिन में, कैबिन में हम लोग बैठे हुए हैं, ये आपको हम कैबिन दिखा रहे हैं। पहले अभी तो जो बैठे हैं वो दिखा देते हैं, उसके बाद अभी पूरा दिखाएंगे। तो अभी मनु भैया पूरा समझाने वाले हैं डम्फर किस तरह 100 टन को ऑपरेट करते हैं। बहुत सारा आप लोग का कमेंट था कि विक्की भाई 100 टन कैट का दीजिए या 100 टन BML का दीजिए। तो ऐसा है कि अभी मैं अपने घर के कवरेज में 8 से 10 किलोमीटर के माइंस पे हूँ, ठीक है, और जहां मैं ड्यूटी करता हूँ उधर से रेस्ट है मेरा, ठीक है। तो अभी मैं इधर आया हुआ हूँ और डम्फर खड़ी है, ये डम्फर चलती नहीं है, ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन डम्फर खड़ी है पार्किंग पे। तो मैंने बोला कि चलो फिर बनाते हैं आराम से, समझाना जो है, क्योंकि आप लोग जो जो डम्फर चलाए होंगे और कहीं भी जाते हैं कि भाई वहां कैट का है तो कैट का क्या क्या फंक्शन है कैबिन का, तो वो सारा मैं आपको अभी मैं दिखा रहा हूं। और मनुदा जो है ये पूरा बताएंगे। मनुदा करेंगे शुरू? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे मनुदा, अब मनुदा बताएंगे, मैं पूछता जाऊंगा, मनुदा बताएंगे। तो चलिए मनुदा यहाँ से शुरू करते हैं। ये AC का ब्लोअर, ये क्या है मनुदा, ये सब आप बताइए। हमारा ये आपका कूलेंट टेम्परेचर, ये कूलेंट टेम्परेचर हो गया, ब्रेक ऑयल टेम्परेचर मीटर, ब्रेक ऑयल टेम्परेचर मीटर हो गया, ये अच्छा ये RPM है, ये फ्यूल मीटर है, फ्यूल है, ये एयर मीटर है, एयर प्रेशर का, ये ट्रांसमिशन का, नहीं ऑयल टेम्परेचर, हाँ ठीक है, ये टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर, हाँ सॉरी ये टेम्परेचर है, ट्रांसमिशन का टेम्परेचर है। चलिए ये डिस्प्ले अभी मैं ऑन करके भी दिखाऊंगा। और ये क्या है मनुदा, ये हमारा सिगरेट, अच्छा 24 वोल्ट का ये हीटर है, ठीक है 24 वोल्ट का हीटर है। और ये क्या है मनुदा, ये हमारा फ्रंट व्हील डंप ब्रेक है, फ्रंट व्हील डंप ब्रेक, डंप ब्रेक, हाँ। यानी पार्किंग के टाइम इसको यूज करते हैं, पार्किंग के टाइम में नहीं, अगर गाड़ी में अधिक अगर पानी उनी अगर छिटा हुआ हो, हाँ। उस समय इसको यूज करते हैं, अगर इसको ऐसे इस स्टेप में इधर ऑन करते हैं, हाँ। तो हमारा सर्विस ब्रेक में ही इमरजेंसी काम करना, अच्छा सर्विस ब्रेक में ही इमरजेंसी काम करना शुरू करता है, यानी कि पीछे के चक्के के साथ साथ आगे का भी ब्रेक लेता है, है ना। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं तब, चलिए ठीक है। और ये सब क्या है मनुदा, ये आपका हेडलाइट का है, ये हेडलाइट है, ये पार्किंग स्विच है, ये पार्किंग स्विच है, यानी स्विच क्या है, इसको देते हैं तो पार्किंग ब्रेक ले लेती है, नहीं नहीं ये पार्किंग मतलब पार्किंग लाइट, अच्छा पार्किंग का लाइट स्विच, अच्छा अच्छा सॉरी पार्किंग लाइट स्विच है, ठीक ठीक उसको ऑफ कर दीजिए, हाँ। और ये आपका डिस्प्ले का ब्राइटनेस, अच्छा डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम बेसी करने के लिए, नाइट में चलाते हैं अगर इसको मतलब लाइट अगर ज्यादा लग रहा है तो कम कर देते हैं। चलिए ये AC का ब्लोअर है, ये ठंडा गर्म है, ठंडा गर्म है, है ना। ये क्या है मनुदा, ये AC का बटन, हाँ AC स्विच है, ये हम RPM सेटिंग, अच्छा RPM सेटिंग, RPM जैसे आप गियर है, गियर सिस्टम है, हाँ। अगर ये हमारे डिस्प्ले में है, अगर 3 नंबर में आप इसको सेट करते हैं और यहाँ से भी डी में डाल के रखते हैं, हाँ। ये पीला बटन है, अच्छा यहाँ से आपको 3 नंबर मैनुअल में सेट करते हैं, तो इसको दबा के रखने से ऑटोमेटिक गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी RPM सेट में। चलिए और ये क्या मनुदा, आपका इमरजेंसी स्टेयरिंग स्विच है, इमरजेंसी स्टेयरिंग स्विच, इसको ये है मतलब गाड़ी अगर किसी परिस्थिति में अगर ब्रेकडाउन हो जाती है, मतलब या आपका सर्विस स्टेयरिंग काम करना अगर बंद कर देती है, तो इसको आप 30 सेकंड के लिए एक बार में यूज कर सकते हैं, 30 सेकंड के लिए यूज कर, मतलब गाड़ी को कहीं भी साइड पे लगाने के लिए, लगाने के लिए, है ना। और ये डिस्प्ले किस चीज का है मनुदा, डिस्प्ले हमारा पूरा मॉनिटर है सिस्टम, इसमें आपका फ्यूल वगैरह सारा चीज मतलब डिटेल देगा इसमें, है ना। अच्छा ये इग्निशन है जी, स्टार्ट करने के लिए, चलिए अभी मत स्टार्ट कीजिए, उसको रहने दीजिए, बंद गाड़ी है, ब्रेकडाउन है। और ये बैक कैमरा, रियर व्यू कैमरा है ना, बैक करने के टाइम पे जो रियर व्यू कैमरा, फ्रेंड्स मैं वोल्वो में भी दिखाया था, सेम वही है रियर व्यू कैमरा। अब मनुदा मेन चीज पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, ये तो चलिए डिस्प्ले तो हर कोई आएगा चढ़ेगा, जब छेड़ेगा तो उसको पता चल ही जाएगा, जब पूछ लेगा, इतना तो मैंने बता दिया क्योंकि जरूरी भी था। अच्छा इधर भी देख ही लेते हैं, ये हेडलाइट हेड बीम है, वाइपर है जी, और ये क्या है, 1 2 3 4 ये आपका वाइपर का मतलब वाइपर का स्पीड के लिए, चलिए और इंडिकेटर टर्न के लिए, लेफ्ट राइट, टर्न के लिए। और ये क्या है, ये आपका रिडाइटर है, रिटार्डर, रिडाइटर, हाँ अच्छा रिडाइटर, मतलब जैसे कहीं मतलब अगर गाड़ी अधिक स्पीड होती है, अगर आपका 1500 से ऊपर
अगर जाती है तो कंट्रोलिंग के लिए दिया गया है, अधिक पानी कहीं गिरा हुआ है तो हमारा टायर स्किट ना करे इसके लिए आरपीएम डाउन करता है। 1200 के बाद इसको यूज करना है, 1200 आरपीएम के बाद। 1200 आरपीएम के बाद में अगर ओवर भाग रहा 1200 आरपीएम से तो ये रिटार्डर यूज करना है। रिटार्डर किधर खींचते हैं? इधर। अच्छा अच्छा, इधर यूज मतलब पूरा सटा देते हैं या नहीं? हल्का हल्का इसको पुश करना। अच्छा, हल्का हल्का पुश करना। अच्छा अच्छा, उस तरह में रिटार्डर। चलिए बहुत बढ़िया, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, गियर। और ये पहले तीनों आप बताइए ये क्या क्या है। ये हमारा जो है, ये हमारा लेफ्ट में ये हमारा इमरजेंसी ब्रेक है। इमरजेंसी ब्रेक, चलिए। और इसको आपातकालीन स्थिति में ही यूज करना, इसको आपातकालीन स्थिति में यूज करना, नहीं तो बायां पैर फ्री है हमारा, फ्री है। हाँ। और ये आपका सर्विस ब्रेक है। ये सर्विस ब्रेक है, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते रहेंगे जब यूज करना है, सर्विस ब्रेक में। अच्छा हाँ, जब भी चलाएंगे वो यूज करेंगे, वो इमरजेंसी है। तो फ्रेंड्स, बायां वाला इमरजेंसी है, ये सर्विस ब्रेक है, इसको यूज करना। और ये एक्सीलेटर है। चलिए अब बताइए गियर के बारे में, कि गियर को किस यूज में लाएंगे, किस तरह चलाएंगे कि गाड़ियां चलेंगी। अब बताइए गियर में जब भी इसको दबाना है। देखिए अब पहले इसको यहाँ पे बताइए, समझाइए दब। ये क्या है? ये आपका क्लच है। ये क्लच है और ये दबाने के बाद। अच्छा, ये पीला वाला। ये पीला वाला हमारा मतलब गियर शिफ्टिंग बटन है। अच्छा अच्छा, अपर और डाउन, ये वाला अपर है, ये डाउन है। अच्छा ये, अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये रहा गियर, ये गियर का ये क्लच, यानी मर्सिडीज टाइप का है। मर्सिडीज का कुछ अलग है, बस इसमें क्या है कि ये रहा क्लच, क्लच देके गियर शिफ्ट करते हैं। ये डाउन पे, यानी कि गियर को डाउन करने के लिए ये दिया हुआ है, और गियर को हाई करने के लिए ये दिया हुआ आगे में, यानी ये देखिए इस तरह में जो है। और राइट हैंड पे है, दाहिने हाथ पे यूज करते हैं, ये तो मेरा बाएं हाथ अभी दिखा रहा हूँ, दाहिने हाथ पे यूज करते हैं ये डाउन करने के लिए, और ये आगे हाई करने के लिए, और ये क्लच। तो चलाते किस तरह है, जैसे यहाँ पे है पार्किंग, अभी ये पार्किंग में लगी हुई है। अच्छा, अभी ये गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, ठीक है। ये थोड़ा दिखाने दीजिए इधर वाला। हाँ, ये रिटर्न एक बार जब करेंगे तो वो बैक गियर, एक बार दबाएंगे इसको, दबा हाँ। करेंगे तो आपका रिवर्स लग जाएगा। अच्छा, यानी कि ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ये अभी पार्किंग में है, इसको एक बार दबा के इधर करेंगे तो रिवर्स में, फिर एक बार दबा के यहाँ करें तो न्यूट्रल में, ये न्यूट्रल के सेंटर में आ गया न्यूट्रल। अभी ये जो है मनुदा के डी में, ये डी का मतलब क्या है फिर? दो एक, ये क्या है? डी में क्या सब ऑटोमेटिक है, अभी आपका इसमें 7 गियर है। अच्छा, 7 गियर, तो गियर आपको ऑटोमेटिक इसमें काम करेगा, चलेगा है ना डी गियर में, डी गियर में। अच्छा, जब हम लोग जैसे कि अभी पार्किंग में लगाए लोड ले रहे हैं, लोड लेने के बाद मैं सीधा ले आया 1 नंबर पे, 2 अभी डी पे मैं डाल दिया। डी पे रखने के बाद गाड़ी को बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, हम लोग ट्रेनिंग में तो ही बताएगा, आपका खाली गाड़ी आइडल रहे या लोड रहे, डी में बढ़ा सकते हैं, डी में बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये अगर मैं अगर 1 नंबर पे करके तो सिर्फ गाड़ी 1 ही नंबर पे बढ़ेगी ना, यानी कि मैं लोड गाड़ी। हाँ, ये मैनुअली मतलब अधिक थोड़ा सा दूरी 10 कदम के लिए, ये कदम के लिए नहीं है। हाँ। ज्यादा करके इसलिए दिया गया, अधिक अगर ग्रेडियन है। हाँ हाँ। मतलब डाउन उतर रहे हैं। हाँ हाँ। या मतलब पानी अधिक पड़ा हुआ है। हाँ हाँ। स्पीड गाड़ी आपका अधिक कर रहा है। हाँ। तो आप 1 में या 2 में करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अब समझे, मैं भी अब पूरी अच्छी तरह से समझ गया। अभी मनुदा ने मुझे भी समझाया, मैं भी समझ रहा हूँ इसके साथ साथ। अभी क्या है कि मैं लोड लेता हूँ, मैं सीधा डी पे लाता हूँ, डी पे गाड़ी को बढ़ा रहा हूँ, अगर समतल जगह पे मेरी डंफर लोड हो रही है, डी पे मैंने गाड़ी को बढ़ा दिया, मैं चल रहा हूँ। अभी ग्रेडियंट बहुत ज्यादा डाउन पे अगर लोड गाड़ी मेरे को लेके जानी है, तो फिर मैं या तो 2 नंबर या तो 1 नंबर में, बहुत जिस तरह सिचुएशन के हिसाब से, 1 नंबर पे लगा के गाड़ी को आराम से धीरे धीरे 1 नंबर के गियर पे मैं गाड़ी को लेकर उतरूंगा, इसको और सर्विस ब्रेक को लेकर, या तो इसको रिटार्डर को लेकर, मैं सर्विस कम यूज करना, रिटार्डर। अच्छा अच्छा, रिटार्डर यूज करके हम इसको लेके उतर जाएंगे। तो चलिए, ये पार्किंग में आ गया। और फ्रेंड्स, ये तो एसी का ब्लोअर है, ये कैबिन है। अच्छा, ये क्या है मनु दो? ये हमारा इंटरनेट है, जीपीआरएस लगा। अच्छा, जीपीआरएस ये लगा हुआ, करने से बंद हो जाती है, लेकिन हमेशा ऑन रखना, हमेशा ऑन रखना जीपीआरएस, लोकेशन सेटिंग के लिए ना। ये क्या है मनु दो? ये आपका हमारा सीढ़ी लाइट है, सीढ़ी का लाइट है। अच्छा, जो चढ़ते हैं हम लोग, लेडर का नीचे में भी दिया हुआ है, अगर आप चढ़ते हैं तो नीचे से ऑन कर दीजिए, ऊपर से ऑफ कर दीजिए, यानी उतरने के टाइम यहाँ से ऑन कीजिए, वहाँ ऑन, वहाँ ऑफ कर दीजिए। अच्छा, ये लेडर का लाइट है। और ये क्या मनु दो? इको मोड है, मान लीजिए आपका गाड़ी अगर 60 टन या 80 टन लोड है। हाँ हाँ। तो उसके लिए आप ये स्विच दबाएंगे। हाँ। तो ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। हाँ। उससे क्या आपका फ्यूल कंजप्शन जो है वो कम होगा। अच्छा, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, यानी कि फ्यूल कंजप्शन कम होगा। और ये क्या है मनोदा? ये आपका ऑटो डिपर स्विच है, ऑटो डिपर जी। हाँ। ये क्या है, मान लीजिए हम लोग हेड डिम करते हैं। हाँ। अगर हमारी गाड़ी अगर कोई हेड मतलब गाड़ी अगर सामने से आती है और हेड डिम करना अगर हम भूल जाते हैं, और सेंसर अगर हम ऑन कर देंगे, येलो कलर की लाइट जलेगी, उसका सेंसर देखिए सामने दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जब उस पर लाइट पड़ेगी तो ऑटोमेटिक जो है वो डिम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक हेड हो जाएगी। हाँ, चलने के बाद ये, चलिए ये फ्रेंड आपको समझ में आ गया, ये ऑटो हेड डिम का सेंसर बटन है, ये सेंसर यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे जब लाइट आएगी तो जो आगे गाड़ी आएगी जो उसकी लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो इस गाड़ी की लाइट
लाइट ऑटोमेटिक डीप में आ जाएगी, डीप मोड में। फिर थोड़ी देर चलने के बाद जब लाइट नहीं लगेगी तो फिर हेड मोड में आ जाएगी। चलिए ये तो मैंने पूरा आपको दिखा दिया फ्रेंड्स कैबिन का। अभी हम लोग क्या करते हैं, पीछे आपको इसमें डबल सीट है, ये देखिए एक सीट में मैं बैठा हूँ, इधर इधर मन्नुदा है ऑपरेट कर रहे हैं, इधर फायर एक्सटिंग्विशर है, ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर भी, जो हम बार बार बता चुके हैं आपको हर बड़ी मशीनों में ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर पूरा सिस्टम। अभी मन्नुदा क्या करेंगे, इधर बॉटल रखने के लिए है, इधर भी एक गेट है मन्नुदा, ये खुलता है क्या? हाँ ये खुलता है अभी, हाँ ये इधर गेट भी है, ये राइट साइड में अपना उधर लुकिंग ग्लास से, उधर भी एक डंफर खड़ी है ब्रेकडाउन, तो मैं तो अभी इधर से ही घुसा था। तो चलिए ठीक है, और बोल रहे मन्नुदा अब इग्निशन ऑन करके थोड़ा डिस्प्ले दिखा देते हैं। स्विच को सबसे फर्स्ट एक बार ऑन करना है, ठीक। अरे क्या हो रहा है? वो आपका उसे कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे अभी मतलब जिस मोड पे है मैंने गियर को रखा हुआ है, यहाँ पे बता रहा है पार्किंग। अभी मैं एक मोड अगर पीछे लेता हूँ क्लच करके रिटर्न, तो ये आ गई रिटर्न पे। हाँ अभी मैं एक मोड क्लच करके डी पे न्यूट्रल पे करता हूँ तो ये आ गई न्यूट्रल पे। और जब लाइट देते हो तो यहाँ भी जलती है, ये ग्रीन यहाँ जलेगी जब भी गियर आप शिफ्ट कर, हाँ ये ग्रीन लाइट उसी पे आती है, अभी पूरा कंफर्म पता चल रहा। अब मैं इसको अगर डी मोड पे लाता हूँ तो ये आ जाती है सिक्स्थ नंबर पे, यानी ऑटोमेटिक में। हाँ ये देखिए आपका प्लस हो गया, प्लस हो रहा है, ये देखिए ये फ्रेंड ये प्लस है और ये माइनस है। देखिए यहाँ माइनस करूंगा, एक बार बटन दबाता हूँ मैं, ये दबाया मैंने, देखिए यहाँ छः हो गया, फिर एक बार दबाऊंगा पाँच हो गया, और ये प्लस को करूंगा तो ये एक बार दबाया छः, एक बार दबाया फिर सात, और फिर ये जो दो नंबर और एक नंबर, ये देखिए दो नंबर एक बार मैंने पीछे किया दो, फिर एक बार मैं पीछे करूंगा एक नंबर पे। तो खैर जब हम लोग डी पे रखते हैं तो यहाँ तो शो कर रहा सात नंबर, लेकिन ऑटोमेटिक वो एक नंबर पे पकड़ता है, जब हम लोग एक्सेलेरेटर पे जैसे पैर देते हैं वो एक नंबर पकड़ लेता है, एक से सात तक वो काम करेगा, और आपको यहाँ पे भी पता चलेगा, और यहाँ तो खैर ग्रीन लाइट जल ही रही है। तो ऐसा है, तो अभी सबसे पहले जब आप लोग मन्नुदा चढ़ते हैं, चलिए ठीक है पहले इसको समझ लेते हैं पूरा। ये तो हो गया ऑपरेटर, ठीक है, ये देखिए अप डाउन का बटन है, ये अप डाउन का है, ये अप है, ये डाउन भी है, ये राइट है, ये लेफ्ट भी है। अभी क्या इसको डाउन करते हैं मॉनिटर, ये डाउन करते हैं सर्विस, माने यहाँ से आप पूरा सेटिंग्स चेक कर सकते हैं क्या है टोटल सर्विस मोड ये वो वगैरह जितना भी है सारा चीज हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारे बहुत ऑपरेटर है, हाँ। जानना चाहते हैं कि इसका आवर्स और किलोमीटर, हाँ आवर्स मीटर और किलोमीटर कैसे निकालते हैं, इसको क्या करना है, हाँ। आपको ये डाउन में जाना है, हाँ। ये मॉनिटर में आगे जाना है, हाँ। सर्विस आएगा, हाँ। तो सेटिंग आएगा, सेटिंग आएगा, फिर आपका टोटल आएगा, टोटल में जाकर ये ओके करना है, ओके जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएगी, हाँ, टोटल लाइफ टाइम और टोटल रिसेट, हाँ। और रिसेट को नहीं कुछ करना, लाइफ टाइम को ओके करना, हाँ। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, हाँ। तो हमारा पूरा वर्जन यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा चलिए वैक्यूम पेलोड वेट आ गया, डिस्टेंस आपको दिखाई देगा, टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल ट्रेवल टाइम बताएगा, हाँ, और कितना टोटल फ्यूल कंजप्शन है, हाँ। टोटल हर चीज में आपको, मतलब अभी तक टोटल कितना यूज किए गाड़ी में सारा चीज आ गया ना, ये आपका, अच्छा ये और ये बैक बटन है ना, ये बैक, हाँ उसको बैक कर, बैक जाएंगे, हाँ ठीक है, ये आपका ऊपर ऊपर जाएंगे, हाँ। ये आपका सर्विस का हो गया, हाँ। अगर आपका मशीन में अगर किसी तरह का किसी प्रकार का सर्विस, हाँ। तो उसमें आपको हाँ सेम सारा चीज है, डायग्नोस्टिक है, एक्टिव इवेंट है और क्रोनोलॉजिकल इवेंट है, सारा चीज है ना इवेंट कॉल, हाँ चलिए ठीक ठीक। और मान ली हमारा गाड़ी में अगर किसी तरह का फॉल्ट आता है तो इसमें आपको नंबर और मतलब उसका मैसेज आपको कोड आएगा, और अच्छा मैसेज देगा। अच्छा मन्नुदा जैसे ये होम बटन इसको दबाएंगे तो पूरा होम पे आ जाएंगे ना जी, इसको मैंने दब दिया अभी कुछ नहीं, जब अच्छा। तक बैक नहीं करेंगे पूरा, हाँ। ये आपको ऊपर ये पेलोड मॉनिटर जो है ऑपरेटर में जाना होगा, हाँ। आपको अच्छा ये आपका पेलोड सिस्टम है, हाँ। बताता है, हाँ। कितना हमारा गाड़ी में टन लोड टारगेट 98 का है, जितना पेलोड आप लेंगे। अच्छा आप लोग जब लोड करते हैं गाड़ी को जब लगाते हैं पार्किंग में तब आप लोग इस मोड पे लाके चेक करते हैं कि भाई कितना, चेक नहीं करता ऑटोमेटिक वो अपने मोड पे आ जाती है, ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगी, एक बॉकेट जैसे मटेरियल दिए अपना मोड पे आ गई कि भाई इतना टन आ रहा है, तो आप लोग कितने टन पे माने 98 के लगभग पे आता है तभी फिर गाड़ी, हाँ नहीं तो फिर वॉकिंग में अगला को इन्फॉर्म करते होंगे कि भाई और लोड दो बोल के, है ना। चलिए अब हम लोग लाते हैं फ्रंट कैमरा में, ये आपका देखिए बैक कैमरा, अब फ्रंट कैमरा में आके थोड़ा सा आपसे हम कुछ बात करते हैं बढ़िया, है ना। तो मन्नुदा एक बात हमको बताइए, पहले तो फ्रेंड्स क्या है कि एक्साइटमेंट में यानी कि मुझे जब टाइम मिला, मुझे बराबर जब भी टाइम मिलता मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया करने का ही सोचता हूँ कि कुछ नया करूं जिससे लड़के सीखे लड़के जाने, तो एक्साइटमेंट में मैंने इनका इंट्रोडक्शन जो है पूरा अच्छे से करा नहीं पाया, मैं अभी कराता हूँ। हम और मन्नुदा 2013 के टाइम पे, शायद 2013 ही था ना मन्नुदा, एनटीएसटी प्रोजेक्ट में हम लोग थे साथ में,
तो 2013 के टाइम पे वहाँ पे थे और ये डंफर ऑपरेटर, मैं मशीन ऑपरेटर। खैर अपना तो मल्टी स्किल है, लेकिन ये डंफर वहाँ चलाते थे, मैं मशीन चलाता था। 2013 में हम लोग साथ में काम किए और आज बहुत दिनों बाद जैसे कि फ़ोन पे बात होती थी हमेशा, तो मैंने कहा कि मनुदा मैं रेस्ट पे घर आया हुआ हूँ छुट्टी पे, तो आप कहाँ पे हो? बोले ये मैं ड्यूटी में हूँ विक्की, और आ जाओ एक 100 टन का कैट का बना लेते हैं हम लोग। तो हम बोले कि ठीक है फिर मनुदा आते हैं। तो इनका नाम है मन्नू सिंह और अच्छे ऑपरेटर है, बहुत अनुभवी ऑपरेटर है। जितना आराम से इन्होंने समझाया, मैं तो सकता नहीं, मुझे चलानी आती है, मैं चलाता बहुत बढ़िया हूँ, ये भी चलाते बहुत बढ़िया, और इन्हीं लोग से बहुत कुछ नया मैं सीखता भी हूँ, लेकिन इतने अच्छे से मैं समझा नहीं पाता जितना अच्छा से इन्होंने समझाया। इसलिए कहा गया जिनका जो अनुभव है उनके साथ बैठ के ज्ञान लीजिए, बिना गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, वही हाल है। तो मनुदा भी आरके ट्रांसपोर्ट में ड्यूटी करते हैं और ब्रेकडाउन गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है ऑन ड्यूटी, हम लोग माइंस पे नहीं है, एकदम पार्किंग यार्ड पे गाड़ी लगी हुई है, यहीं पे हम लोग खड़े होके हम लोग बोले चलिए कुछ लड़कों के लिए नया बना देते हैं। तो मनुदा जब आप ड्यूटी आते हो, शुरुआत से अब बताइए कि आप करते क्या हो, क्योंकि डंफर चलाने का तरीका तो आपने पूरा बता दिया कि चलाना कैसे है, सारा चीज इन्होंने बता दिया, गियर के बारे में समझा दिया सारा, आप समझ गए, नहीं समझ पाए हैं तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब मनुदा से पूछते हैं कि मनुदा ड्यूटी आने के टाइम पे सबसे पहले आप क्या करते हैं? ड्यूटी आते हैं सबसे पहले हम अपने जो सुपरवाइजर या इंचार्ज हैं उनसे हम बात करते हैं। एक मिनट मनुदा, थोड़ा सा और मोबाइल सेट करता हूँ अच्छे से। तो अच्छा क्या करते हैं मनुदा आप जब आते हैं? पहले तो हम आते हैं तो अपना हमारा जो सुपरवाइजर है उनसे हम अपनी गाड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं, हमारे गाड़ी पार्किंग में ओके है या नहीं है, उसके बाद उनसे बात करके उसके बाद हम गाड़ी के पास अपना आते हैं। गाड़ी के पास आने के बाद हम अपना गाड़ी को बढ़िया से चेक करते हैं, चेक में यानी डंफर चेक करते हैं, अपना व्हील बोल्ट चेक करते हैं, पाइप लीकेज वगैरह चेक करते हैं, फायर सिलेंडर वगैरह सब देखते हैं है कि नहीं। उसके बाद हम अपना गाड़ी चेक चेक करने के बाद हम ऊपर आते हैं केबिन में। केबिन में आने के बाद सबसे पहले अपना सामने का सारा सिस्टम हम चेक करते हैं, फायर ऑटोमेटिक फायर उसको चेक करते हैं वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम अपने सुपरवाइजर को खबर करते हैं। खबर करने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है कि सबसे पहले हम अपना जो है सीट एडजस्टिंग करते हैं। सीट एडजस्टिंग करने के बाद अपना सीट बेल्ट यूज करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। सीट बेल्ट लगाने के बाद लॉक सीट भी मेंटेन करते हैं, हाँ सब वो सब करते हैं। उसके बाद अपना स्टीयरिंग जो है हमारा, ये देखिए फ्रंट ऐसा होता है लॉक सीट, इसमें सारा मेंटेन करना होता है, नाम मेंटेन करना होता है, आवर्स मीटर वगैरह सारा मेंटेन करना। उसके बाद अपना हम स्टीयरिंग जो है एडजस्टिंग करते हैं सारा सिस्टम, और बढ़िया से चेक चेक करने के बाद पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम ये जो बताया था डी गियर में डालते हैं, डी गियर में डालते हैं। डालने के बाद हम पहला एक हॉर्न मारते हैं, स्टार्ट मारने के साथ एक हॉर्न देना है। तो हॉर्न सिंबल के बारे में मैं बाद में बता दूंगा फ्रेंड्स, ये इनसे ज्यादा मतलब इन लोगों से ज्यादा अनुभव, पहले हॉर्न सिंबल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हॉर्न मारने के बाद हॉर्न मारने के बाद जो है गाड़ी को हम फ्रंट में, अगर पार्किंग में लगी हुई है गाड़ी को कभी भी हम लोग जब भी बढ़ाएंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कभी भी पीछे की तरफ, पहले हल्का आगे फिर देखेंगे पीछे आगे जैसा करना है आगे, लेकिन पहले हमेशा रहेगा कि गाड़ी हमारी आगे से की निकले, ठीक है। उसके बाद जब निकालने का वक्त तभी गाड़ी जब फिर बढ़ाएंगे तो पहले दो हॉर्न पहले देंगे, पहले दो उसके बाद गाड़ी को फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया है ना, उसके बाद कंटिन्यू ड्यूटी में जी। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, जितना समझाने लायक है वो वीडियो मैंने समझाया, कैट का 100 टन का गियर कैसा है वो मैंने दिखा दिया, गियर कैसे यूज करते हैं वो मैंने दिखा दिया, और डंपर 100 777E, अच्छा कैट 100 टन का 777E है ना जी। चलिए तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और खास करके शेयर उनके साथ कीजिए। देखिए जो आपके दोस्त सर्किल के हैं जो डंफर चला रहे हैं, जिनको डंफर में इंटरेस्ट है, डंफर सीखना चाहते हैं और नहीं समझ में आ रहा है, डंफर वो चला लेंगे, ड्राइवर बहुत अच्छे हैं चला भी लेंगे, लेकिन गियर के बारे में उनको पता नहीं है, तो पूरी अच्छी तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं इस वीडियो में, ये अपने दोस्तों लोग के साथ में शेयर कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं फिर कौन सा मैं आपको लेके आप लोग के लिए बना पाता हूँ। चलिए तो मनुदा सबको बाय कर देते हैं, है ना, चलिए ठीक है बाय।